हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर आप ईस्ट में खड़े हो और 1/2 रिवोल्यूशन लगाते हो क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की तरह हमें टर्न आउट करना है, ठीक है, ये होता है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इसका उल्टी डायरेक्शन में घूमना, यानी घड़ी की, और घड़ी हमारी नॉर्मली इस तरीके से घूमती है तो क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि उसकी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चलना, ठीक है। हमें दे रखा है 1/2 रिवोल्यूशन। देखो, हमारे कुल मिला के इसमें होते हैं 4 क्वाड्रेंट, डायरेक्शन हमारी 4 है ये वाली, ठीक है। पहला है नॉर्थ पोल, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो उसमें ये कुल मिला के 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4। अगर हम यहाँ से टर्न लगाना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, अगर हम 4 टर्न लगाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल होगा 4 टर्न के। तो हमें दे रखा 1/2 रिवॉल्यूशन, ठीक। तो 1/2 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। हमें 2 टर्न लेने हैं, कितने टर्न लेने हैं, 2। अभी देखो, हम ईस्ट में खड़े हैं और टर्न कितने लेने, 2। तो हमारा फेस कहाँ पर हो जाएगा, क्लॉकवाइज चलना है, पहले इस तरीके से चलना है। ये हमारा पहला टर्न हुआ, ये हमारा दूसरा टर्न हुआ, तो हमारा फेस कहाँ पर पहुँच जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेस्ट, क्लियर। यहाँ लिख देते हैं, वी विल फेस वेस्ट, ठीक। ये हमारा ये पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे बी पार्ट को। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 4 टर्न के बराबर होगा। हमें दे रखा 1.5 रिवोल्यूशन, ठीक। तो देखो, पहले इसको मिक्स बना रखा, नॉर्मल करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 2 4, 2 3 6, यानी कुल मिला के हमें 6 टर्न लगाने हैं, कितने टर्न लगाने, 6। अभी फ़िलहाल हमारा ईस्ट की तरफ मुँह है, टर्न लगेंगे 6। ये हमारा ईस्ट है, और कैसे जाना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से टर्न करना है, ऐसे टर्न करना है। ईस्ट है, पहला टर्न हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो हमारी डायरेक्शन कौन होगी, वेस्ट हो जाएगी, क्लियर। ईस्ट में हो 6 टर्न लगाएंगे और हम कहाँ पहुँचेंगे, वापस वेस्ट में। तो यहाँ लिखते हैं, वी विल फेस वेस्ट, क्लियर। इसी तरीके से हमारा सी पार्ट दे रखा, में सी पार्ट में ये गिवन है कि वेस्ट में है, 3/4 रिवोल्यूशन है, और कैसे टर्न करना है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टा घूमना है घड़ी से, उल्टी डायरेक्शन में, क्लियर। एक रिवोल्यूशन बराबर होगा 4 टर्न के, 3/4 रिवोल्यूशन इक्वल होगा 3/4 × 4, यानी कि हमें 3 टर्न लगाने हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अभी वेस्ट में है, टर्न होंगे 3, कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। तो वेस्ट ये रहा, उल्टा चलना है, कितने टर्न, 3 टर्न, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में कहाँ पहुँच गए हम, नॉर्थ पे। तो हमारा फेस कैसे होगा नॉर्थ की तरफ, वी विल फेस नॉर्थ, क्लियर। ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे आगे डी पार्ट को। तो डी पार्ट हमें दे रखा है, साउथ में है, हमें भी पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाना है। एक रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा, 4 टर्न के, यानी कि हमें कुल मिला के 4 टर्न लगाने हैं। तो हम दे रखा है हमें साउथ में, और 4 टर्न है, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर हम दोनों तरीके से निकाल लेंगे। क्लॉकवाइज भी निकाल लेंगे, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की तरह घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज भी निकाल लेंगे जिसका मतलब होता है उल्टा घूमना घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। अभी फिलहाल हम साउथ में, हमने 4 टर्न लगाए, ठीक है, पहले क्लॉकवाइज लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, वापस कहाँ पहुँच गए, साउथ में पहुँच गए। अगर एंटी क्लॉकवाइज लगाएं तो अभी साउथ में है, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, तो हम चाहे क्लॉकवाइज लगाएं या एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, अगर पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है तो जहाँ शुरू करेंगे वापस वहीं पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, वी फेस साउथ, दोनों ही कंडीशन में, क्लॉकवाइज भी एंड
एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों में सेम ही आंसर रहेगा हमारा। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू यू स्टैंड फेसिंग। ईस्ट था, टर्न करके क्लॉकवाइज तुम्हारा फेस कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ में पहुँच गया, यानी तुम्हारा फेस नॉर्थ की तरफ हो गया। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, क्लियर। तो यहाँ देखना हमने कितने टर्न लगाए हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, चार टर्न लगाते हो तो एक रिवॉल्यूशन बनता है। यहाँ लिख दिया फोर टर्न बराबर होगा वन रिवॉल्यूशन के। तो एक टर्न किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, वन बाय फोर रिवॉल्यूशन के बराबर होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फेस कहाँ पे है, ईस्ट में, और अब कहाँ पर हो गया, नॉर्थ में। कितने टर्न लगाए हमने और चलना कैसे है, क्लॉकवाइज। चलो जी, ईस्ट ये रहा, नॉर्थ में जाना है। एक टर्न हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, हमने कुल मिला के तीन टर्न लगाए, ठीक है। तो हमें बताने कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि वी टर्न, एक टर्न बराबर होता है वन बाय फोर रिवॉल्यूशन, यहाँ तो तीन टर्न लगे हैं, तो वन की जगह क्या लगा देंगे, थ्री बाय फोर ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो, एक टर्न बराबर होगा वन बाय फोर रिवॉल्यूशन की। अभी फ़िलहाल हमारा कैसे था, मुँह साउथ की तरफ था, और अब कहाँ हो गया, क्लॉकवाइज चलना है और ईस्ट में हो गया। क्लॉकवाइज चलते हुए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। साउथ हमारा ये रहा, चलना कैसे है, क्लॉकवाइज, ईस्ट में हो गया। तो एक, दो, तीन, कितने टर्न लगाए हमने, तीन टर्न लगाए। तो हमारा रिवॉल्यूशन हो जाएगा वी टर्न, वन था या वन था, तीन टर्न लगाए तो यहाँ थ्री हो जाएगा, थ्री बाय फोर रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सी। सी में बोला गया है, वेस्ट से टर्न किया क्लॉकवाइज, फेस हो गया ईस्ट में, ठीक है। वन टर्न बराबर होता है वन बाय फोर रिवॉल्यूशन के। तो ये लिखा मैंने वेस्ट, और क्लॉकवाइज है कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया। यहाँ लिखा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हो गया, क्लियर। वेस्ट में थे, यहाँ थे, क्लॉकवाइज है, ईस्ट में पहुँच गए। एक, दो, कितने टर्न लगाए हमने, टू टर्न लगाए। तो हमारे रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वी टर्न। अब देखो यहाँ लिखा मैंने टू बाय फोर, या फिर दोनों में टू का डिवाइड जाए, टू वन जाए टू, टू टू जाए फोर, वन बाय टू रिवॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि इसको जब हम दोनों में टू का डिवाइड जा रहा है तो वन बाय टू रिवॉल्यूशन भी हो जाएगा, क्लियर। इसी के साथ हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।